तुम लोग क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं बच्चों। 100 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें देखिए क्या कह रहा है कि HCl का एक सॉल्यूशन है, फिर HCl का ही दूसरा सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी 1 m है, इसका मोलरिटी 2 m है, दोनों को मिक्स किया जा रहा 4:1 वॉल्यूम रेशियो में। तो कह रहा है बताइए फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। तो बच्चों कभी भी आपको सभी दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जा रहा हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपको फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछे, तो हर हमेशा आपको पहले क्या सोचना है कि जब भी दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हैं ना, तो पहले आप ये चेक करें कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हैं, ठीक है, कहीं वो मिलने के बाद रिएक्शन तो नहीं करने वाले हैं। अब ये हम कैसे बता सकते हैं कि कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसके लिए भी बच्चों एक हिंट हम बताए थे आपको क्लास में कि अगर कभी भी दोनों के बीच में, दोनों सॉल्यूट के बीच में अगर कॉमन आयन हो जाए तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, अगर कॉमन आयन नहीं हुआ तो वो दोनों सॉल्यूट पार्टिकल मिलने के बाद जरूर रिएक्शन करेंगे। फिलहाल अभी आप गौर से अगर देखें तो यहाँ HCl सॉल्यूशन है, यहाँ भी HCl सॉल्यूशन है, तो यहाँ तो खैर दोनों ही आयन कॉमन है, इसमें भी H प्लस है, इसमें भी H प्लस, इसमें भी Cl माइनस, इसमें भी Cl माइनस, खैर अगर एक भी कॉमन हो जाता तो हम कहते हैं रिएक्शन नहीं होगा। फिलहाल अब देखिए इसका क्या दिया हुआ, इसका मोलरिटी दिया हुआ 1, इसका मोलरिटी दिया हुआ 2, कहता वॉल्यूम 4:1 है, तो हम ऐसे तो मान ही सकते कि इसका वॉल्यूम 4 भी हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलरिटी चाहिए, तब सीधा सीधा हमें ये मतलब होना चाहिए कि अगर इस सॉल्यूशन का मोलरिटी चाहिए तो यहाँ पे हमें टोटल सॉल्यूट का मोल चाहिए होगा और नीचे टोटल वॉल्यूम चाहिए होगा। तो देखिए इसका वॉल्यूम अगर 4 भी है, इसका वॉल्यूम भी है, तो हमें ये इतना पता चल गया इसका वॉल्यूम 5 भी हो जाएगा। अब बात आता है ये इसके अंदर पूरा मोल्स कितने होंगे, बताइए बच्चों इसके अंदर जो सॉल्यूट आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उस सॉल्यूट का सोर्स क्या है, तो उस सॉल्यूट का सोर्स ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन है। तो अब देखिए अगर हमें ये मालूम चल जाए कि यहाँ पे कितने मोल सॉल्यूट थे तो हम लोग आसानी से यहाँ पता कर सकते हैं, फिर यहाँ पे पता चल जाए मोल कितने थे तो इन्हीं दोनों में जो सॉल्यूट के मोल रहे होंगे वो फाइनल उठ के यहाँ गए होंगे। तो अब सोचिए कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 दिया हुआ और वॉल्यूम अगर 4 भी है, तो अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो इसके अंदर सॉल्यूट का क्वान्टिटी पता चल जाएगा, मतलब वो मोल पता चल जाएगा, तो हम कहेंगे आप पहला सॉल्यूशन में 4 मोल था सॉल्यूट का और दूसरे सॉल्यूशन में चूंकि ये 1 दिया हुआ, वो नहीं, ये कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो ये 2 अगर दिया हुआ तो यहाँ से 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये आ जाएगा आपका 6 भी डिवाइडेड बाय 5 भी, तो ये भी से भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 आंसर, ये सॉरी 1.2 आंसर हो जाएगा। तो 1.2 देखिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला कोई भी याद ना रखें, बस बेसिक डेफिनेशन याद रखें, उसी से आपका सवाल बन जाएगा। हाँ, और ये बात हर हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं पहले ये जरूर दिमाग में लाएं, ये पहला पॉइंट ही होता है चेक करने का कि दोनों सॉल्यूट के जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहे होंगे। अगर रिएक्शन कर रहे होते तो हम पहले क्या करते बच्चों, इन दोनों का बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते, फिर इंडिविजुअली पता करते कि यहाँ पे उसके कितने मोल हैं, यहाँ पे उसके कितने मोल हैं, तो वापस फिर हम लोग स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा देते। खैर, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 101 जो है बच्चों, इसमें क्या कह रहा, वापस ध्यान से समझिए, ये कह रहा कि वापस हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन हो गए आपके पास, तीनों सॉल्यूशन जो हैं वो HCl के ही हैं, तो ये सीधा सा मतलब हो गया कि अगर इसे मिला भी दिया जाए तो यहाँ पे रिएक्शन का कोई चांस है ही नहीं। अब देखिए कहता क्या कि मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हो गया बच्चों 100 ml, पूरा वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml हो चुका है, और यहाँ पे मोलरिटी जो दिया हुआ बच्चों वो कितना दिया हुआ 0.1। अब सोचिए कि अगर मोलरिटी इतना है ये 100 ml, तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हाँ मिली मोल जो रहा होगा इसके अंदर HCl का वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब 10 mmol होगा। कितने mmol होंगे बच्चों, 10 mmol फाइनली होंगे। अब सोचिए 10 mmol आया कहाँ से होगा, तो कुछ mmol यहाँ रहे होंगे, कुछ mmol यहाँ रहे होंगे, कुछ mmol यहाँ रहे होंगे, ठीक है। तो यही तो आपसे पूछ रहा कि आखिर इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का कितना कितना वॉल्यूम ले लें ताकि यहाँ पे इसका फाइनल मोलरिटी मिलाने के बाद इतना हो जाए। तो अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इसका मोलरिटी जो है ना वो दिया हुआ आपको 0.7,
इसका मोलरिटी मान लेते हैं 0.12, इसका मोलरिटी अगर मान ले 1.5, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम नहीं मालूम, तो चलिए इसका वॉल्यूम हम x मान लेते हैं, ये है मोलरिटी, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं y, और इसका वॉल्यूम आप मान लीजिए z, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे दो तरह का इक्वेशन बन जाएगा। एक तो आप ये कहेंगे कि इन्हीं सब वॉल्यूम को जोड़ने पे ये बना होगा, तो ये देखिए 100 दिया हुआ, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100, एक तो इक्वेशन यहाँ से आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। तो पहला ऑप्शन तो हम यहीं से चेक कर सकते थे कि हमारा वही ऑप्शन सही